नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में, हो राकेश। बिहार में खरमास के बाद दही चूड़ा भोज के बाद अब सियासी पार्टियों में खींचतान शुरू हो गई है। सत्ता के लिए और सत्ता में मुख्यमंत्री बनने के लिए महागठबंधन में जो टकराव है वो अब सामने आ गई है। आपको बताते चले कि आरजेडी ने अपने तरफ से, यानी कि आरजेडी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में एक कैंडिडेट के तौर पर पेश कर चुका है और आरोप उन पर ये भी लग रहा है कि आरजेडी ने अपने सहयोगी दलों के समर्थन लिए बिना ही, सहमति लिए बिना ही आरजेडी के जो नेता हैं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद कांग्रेस में भी राड़ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो अब खुलकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सिर्फ आरजेडी अपना अकेले तौर पर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पेश नहीं कर सकती। कांग्रेस में भी ऐसे कई सारे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने के चेहरे हैं, जिनमें मीरा कुमार का नाम भी सुझाया गया है, जिनमें आपको बता दें चले कि शकील अहमद भी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी इस बात का विरोध दर्ज किया है कि आरजेडी ही सिर्फ लीड करेगी बिहार में विपक्षी नेता के तौर पर। तो किस तरह सत्ता का संग्राम चल रहा है और साथ ही साथ विपक्ष खेमे में किस तरह टूट दिखाई पड़ती हुई नजर आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की राजधानी पटना में एक साथ दही चूड़ा भोज करने वाले गठबंधन के नेता खरमास खत्म होते ही एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। तेजस्वी यादव के गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर कांग्रेस अब खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के एक नहीं बल्कि एक साथ तीन तीन नेताओं ने तेजस्वी के चेहरे के सवाल पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा के साथ शकील अहमद खान और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी दावा ठोक दिया है। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस बिहार में हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है जिसके पास अकेले दम पर चुनाव लड़ने की ताकत है। तो शकील अहमद खान ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि आलाकमान चेहरा के मामले में निर्णय लेगा, लेकिन कांग्रेस में चुनाव लड़ने का दम है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री का चेहरे पर आरजेडी जिस तरह से पिछले दिनों हमला रही है, वैसे में कांग्रेस ने अब अपना सीएम उम्मीदवार भी होने की बात कहकर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस बिहार सहित देश भर में कई साल सत्ता में रही है, आने वाले दिनों में कांग्रेस कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। सीएम चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री का हो सकता है, जबकि मीरा कुमार का चेहरा सबसे बड़ा है। आरजेडी बिहार कांग्रेस नेताओं के बयान को नहीं देती है तवज्जो। जी हाँ, कांग्रेस के बयान के बाद बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। आरजेडी नेता सुबोध राय ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के आलाकमान ने भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। और नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।